कई लोग ये बोलते हैं कि स्टैचू से अच्छा किताबें पढ़ो, लेकिन आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, जब भी आपको स्टैचू दिखती है तभी आपको किताबों की याद आती है। कैसे हो सम्राटो? मैंने पहली बार जब एनवी बाजार का नाम सुना था ना, तो मुझे लगा था कि यार लोग बड़े डेवलप्ड होते जा रहे हैं और वो इन नामों से अब बाजार भी खोलने लग गए। मैं सुबह से इसको उठा रहा हूँ, उठ ही नहीं रही, बड़ी मुश्किल से। पता नहीं डेली कैसे जाती है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो और बस डेली कैसे जाती है यार, सब समझ गए। नहीं धीरे चले यार। हाँ लेकिन मुझे भी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4-5 दिन ही हुए हैं। तो और क्या, मैं इंस्पिरेशन हूँ आपका। मेरी जब नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं एक बार क्या हुआ कि है ना, भोपाल में है ना एक बारिश होने लग गई, तो मैं एक जगह खड़ा हो गया, वहीं सामने ठेला वाला था। तो पता नहीं मेरे मन में अंदर से क्या ख्याल आता है कि जाके अरे सब्जी ले लो। ऐसा आदत हो जाती है शादी के बाद, सब्जी के ख्याल आते हैं। एक बार टमाटर मंगाए थे, पूरे टमाटर सड़े लेके आए थे। ओ तू भी मेरे को सुबह दे, मुझे देख के उठने लग गया ना, जब से मैं 2 दिन से उठ रहा हूँ। सब लोग जब सुबह जल्दी उठ रहे हैं। लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। कई लोग ये बोलते हैं कि स्टैचू से अच्छा किताबें पढ़ो, लेकिन आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, जब भी आपको स्टैचू दिखती है तभी आपको किताबों की याद आती है। यहाँ सामने है ना संत कबीर पार्क पड़ता है, और जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मैं इस शब्द को पढ़ता हूँ बार बार। और आपको याद है हम श्रावस्ती से गोरखपुर की ओर जा रहे थे, तब हमको रास्ते में भी ऐसा ही लिखा मिला, और तभी हमारे दिमाग में खटका आया, ये तो कोई खास जगह है। तो हमारा वहाँ जाने का कोई प्लान नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि वो रास्ते में पड़ता है, लेकिन जैसे हमारे नाम पढ़ा तो वैसे ही हमारी गाड़ी मुड़ गई अंदर की ओर। नहीं यहाँ तो जाना ही है। ओहो बड़े दिनों बाद सन्नी, तुम विन डीजल लग रहे हो पूरे। बाकी तो लोग हमारी ये नहीं बोलते विन डीजल क्या है। अरे हीरो है, हॉलीवुड का, हॉलीवुड का हीरो है। हम लोग देखते का है, हम लोग बॉलीवुड की पिक्चर नहीं देख पा रहे, हॉलीवुड का देख। हम दलेदार तक के हीरो है, दलेदार तक के हीरो है। एक ना कुरियर आया, इसको अनबॉक्सिंग करना है। कुछ है कटर वटर अपने पास? कटर ना, कटर 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 काली, मिठाई तो नहीं है, लेकिन मिठाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। देख सभी सिग्नेचर, ये टोटल जो है ना 100 बाबा साहब के सिग्नेचर हैं, और आपको पता है किसी ने एक खास तौर पे एक ही व्यक्ति ने मंगाए। कैसे हो? अभी सो रहे हैं। गर्ल्स की ये टी शर्ट पे ना रेड कलर पर व्हाइट कलर के बाबा साहब के सिग्नेचर बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि ये जो कलर है ये सैफ्रॉन है, लेकिन ये सैफ्रॉन नहीं है, रेड कलर है। और ये इस पे जो प्रिंटिंग है ना वो बहुत ही गजब है। ये जो प्रिंटिंग है ना, ये कितने भी धो लो, कितना भी प्रेस कर लो इसके ऊपर, प्रेस सीधी ऐसे रख देना, तब वो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो हमने इस बार है ना ये भी बोल रखा है कि अगर कुछ भी डिफेक्ट होता है कुछ भी, तो हम 100% रिफंड करेंगे। हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जहाँ पर लोग नॉर्मल लाइफ में बाबा साहब के जो कोटेशन है, बाबा साहब के जो सिग्नेचर है, बाबा साहब का जो नाम है, ये पहनना स्टार्ट कर दे। मतलब एक फैशन सा बन जाए, क्यों भाई? बिल्कुल होना चाहिए ना। बिल्कुल, क्योंकि इसलिए हमारे डिजाइन भी कुछ इसी तरह के है ना। बाबा साहब की शर्ट पहनता है कोई भीमनगर में? ये सब चीजें पहनने आने लग जाए, और ऐसा होगा ना जिस दिन, तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये मतलब जितना ज्यादा पहनेंगे उतना ज्यादा हम याद करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक डिजाइन, हर एक बाबा साहब से जुड़ा हुआ, बुद्ध से जुड़ा हुआ, अशोक सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ वो चिन्ह, डिज़ाइन, सिंबल मैं टी शर्ट पर लाकर रख दूं, और ये एक नया नॉर्मल होना चाहिए। मतलब उसे पहन के शर्म नहीं आनी चाहिए, तो पहन के गर्व महसूस होना चाहिए, ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सब लोग दौड़ने जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, बोलते हैं कि ये ना पूरा दिन फ्रेश फील हो रहा है। हाँ इनको भी आलस आ रहा है, मेरे को भी आलस आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या चक्कर है। आशीष बोल रहा था कि है ना हम लोग पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं वेबसाइट पे, है ना, सेल कर रहे हैं, तो अप्रैल का महीना जो है ना वो बिना प्रॉफिट में निकालो। बिना प्रॉफिट में निकालें? हाँ
मतलब समझ में नहीं आया, मतलब कि जितना भी कोई भी 1000 का सामान लेना उसको एक टी शर्ट फ्री दे दो, मतलब एक महीना बिना पैसों के काम करो। युगल भाई बोल रहे हैं कि वैसे ही हम इतने सबसे सस्ते में, मतलब पूरे मार्केट में इतना सस्ता कोई नहीं दे रहा जितना हम दे रहे हैं, और इतनी अच्छी क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं तब तो कुछ बचेगा ही नहीं, लुट जाएंगे अपन। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, अभी प्लान बना नहीं है। हाल फिलहाल जो है ना, एक चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ इस ब्लॉग को देखने के बाद हमारी वेबसाइट पर जो फ्री मिलने वाला है। कहा रखी ये किताब है, ये जो किताब दिख रही है ना आपको, ये कलरफुल बुद्ध के पूरे जीवन परिचय की, और ये किताब आप कितना भी पैसा है आप इस किताब को खरीद नहीं सकते क्योंकि इस पर लिखा हुआ है। ये किताब जो है वो ताइवान से आई है और नॉट फॉर सेल है, बिक्री के लिए नहीं। और इस पूरे हफ्ते आपको है ना एक एक कैलेंडर फ्री मिलने के चांसेस हैं। तो ये युगल भाई जिसका फ्री ऑर्डर आया ना उसको भेज दे रहा है कैलेंडर। tathagat.live/dailyloot। और अगर आपको नहीं पता ना तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक छोड़ दूंगा, जल्दी आके देखो क्योंकि कैलेंडर बहुत लिमिटेड है। तुम्हें भी नहीं मिलेगी मैगी, इसको भी नहीं मिलेगी। मेरी कौन सी मैगी है? चम्मच चम्मच कई बार बिनती नहीं है, मेरे मुंह में कंकड़ आ जाते हैं। एक कंकड़ 32 दांत, कौन भारी? 200 पैर में फिर दर्द होने लग गए, देखो यही पैर में 12 समस्या हो जाती है। कॉर्पस पैर थोड़ा थोड़ा उठा रहा हूँ, पता है पापा यहाँ लेटा था और मैं यहाँ सीढ़ी के ऊपर थी तो मैं देख रही जिस पैर में इसके लगी ना उसको अल 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 चबा रहा था, खुली मसीह थी इसकी पैर। युगल भाई बोल रहे थे कि हम ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं, अगर हमने ये फ्री टी शर्ट दी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्या बोलते हो? एक खास बात है ना, हमने आपको बताई नहीं, हम जब बुद्ध की खोज के दौरान जिस टूर पे निकले थे ना, हमने वहाँ पर इतने सारे फोटोज खींचे हैं जो बुद्ध से जुड़े हुए खास घटनाएं हैं, खास चिन्ह है, खास कोई अवशेष मिला है या सिक्का है या कोई लोगो है या कोई डिज़ाइन है, उन सबको हमने इकट्ठा कर लिया और हम बहुत जल्दी उन सारी चीज़ों को अपनी टी शर्ट के ऊपर लेके आने वाले हैं। कुछ एक दिखाते हैं। पानी किसने फैलाया सीढ़ियों पे? पिटाई करूं मैं तेरी? नहीं। तो उसने अपना पैर चाट लिया। तो चाट लेने दो, तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? वो अपना पैर चाटते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरा पैर खा रहा है। श्रवस्ती में व्यापारी बुद्ध के लिए जमीन खरीद रहा है, यहाँ पे सोने की मोहरे बिछवा रहा है और ये बहुत शानदार सा एक पुराने जमाने का डिजाइन है। कुशीनगर में जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वहां पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये वो जगह है जहाँ बुद्ध के शरीर को अग्नि दी गई थी, वहां पे एक ऐसा स्तूप बना हुआ है। और मेरे ऑल टाइम फेवरेट चीनी यात्री, लव यू, नालंदा यूनिवर्सिटी का लोगो, जैसे यूनिवर्सिटी की मोहरें होती हैं वैसे ये नालंदा की मोहर है। शानदार, क्या लगेगा। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि है ना ये जो पैरों के निशान होते हैं ये विष्णु के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बुद्ध के पैर के निशान है और इनको इस तरह से दान में दिया जाता है। जब बुद्ध ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे तब उनका जो हाल हुआ था दुंगेश्वरी केव में। इसके अलावा हमारे पास इतने सारे एक्सक्लूसिव फोटोज, अगर मैं दिखाने बैठा ना तो घंटा भर लग जाएगा। हमने हजारों फोटो खींचे हैं और वो सारी चीजें अभी दिखाना नहीं चाहता क्योंकि मजा किरकिरा हो जाए। जब टी शर्ट पे आएगा तब देखना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कीप सपोर्टिंग।